हाय फ्रेंड्स, ये है 10,000 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4। सोशियोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आपको एनटीए, यूजीसी, नेट या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप इजीली यूजीसी, नेट या पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं सोशियोलॉजी में। ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये श्योर सक्सेस आपको मिल सकता है। इसको दो चार बार आप प्रैक्टिस कर सकते। तो आज हम करेंगे पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 200 तक। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। वेयर एवर देयर इज लाइफ देयर इज सोसाइटी। For life can arise and continue only in its own presence, in the society of like beings, is a statement made by. Wherever there is life, there is society. For life can arise and continue only in its own presence, in the society of like beings, is a statement made by. Options are A. W. F. White, B. MacIvor, C. C. W. Mills, D. W. F. Ogborn। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, MacIvor। MacIvor ने यह स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 152। द मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ इज नोन एज। द मेजरमेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ इज नोन एज। ऑप्शंस है एक्सपेरिमेंटेशन, बी सोशियोमेट्री, सी माइक्रो सोशियोलॉजी, डी मैक्रो सोशियोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री में ये मेजर किया जाता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन पैटर्न्स ऑफ ग्रुप्स। क्वेश्चन नंबर 153। देयर इज नो ब्रांच इन सोशियोलॉजी व्हिच। There is no branch in sociology which A. applies the scientific method, B. follows the functional approach, C. aims at arriving at generalizations through the study of particular societies, D. aims at studying the unique features of a particular society। ए जो है अप्लाइज द साइंटिफिक मेथड, ये सही है। सोशियोलॉजी साइंटिफिक मेथड अप्लाई करता है। फॉलोज द फंक्शनल अप्रोच, ये भी सही है। एम्स एट अराइविंग एट जनरलाइजेशन थ्रू द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, ये सही है। लेकिन डी, ये जो यूनिक फीचर्स पर्टिकुलर सोसाइटी स्टडी करने के लिए, ऐसा कोई ब्रांच सोशियोलॉजी में नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एम्स एट स्टडिंग द यूनिक फीचर्स ऑफ ए पर्टिकुलर सोसाइटी, ऐसा कोई ब्रांच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 154। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स ए बेटर इनसाइड व्यू ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप का इनसाइड व्यू, बेटर इनसाइड व्यू, इनमें से कौन से मेथड से प्रॉपरली मिल सकता है। ऑप्शंस है ए क्वेश्चनेयर, बी इंटरव्यू, सी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डी केस स्टडी मेथड। इसका करेक्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम बेटर इनसाइट व्यू हमें मिल सकता है किसी भी ग्रुप का। क्वेश्चन नंबर 155। फॉर वेबर आइडियल टाइप्स आर। वेबर के लिए आइडियल टाइप्स क्या है। ए अप्रेजेस, बी ह्यूरिस्टिक टूल्स, सी डिस्क्रिप्शंस ऑफ रियलिटी, डी मॉडल्स। इसका करेक्ट आंसर है बी, ह्यूरिस्टिक टूल्स। आइडियल टाइप्स आर ह्यूरिस्टिक टूल्स अकॉर्डिंग टू वेब। क्वेश्चन नंबर 156। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हेरिडिटी वॉज गिवन बाय। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हेरिडिटी किसने दिया है। ए फ्रांस बोआस, बी मालिनोस्की, सी रेडक्लिफ ब्राउन, डी राल्फ लिंटन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राल्फ लिंटन। राल्फ लिंटन ने द कंसेप्ट ऑफ सोशल हेरिडिटी दिया है। क्वेश्चन नंबर 157।
कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस डिसिप्लिन्स इन ए हायरार्किकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरलिटी सिंप्लिसिटी एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स इज रिप्रेजेंटेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर. अरेंजमेंट ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स हायरार्किकल ऑर्डर ना सबसे ऊपर क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे तो सबसे ऊपर क्या है. कॉम्प्टे ने सोशियोलॉजी को सबसे ऊपर रखा है, तो सोशियोलॉजी को सबसे ऊपर रखा है तो ऑप्शन इधर बी और डी आता है. तो करेक्ट आंसर होगा सोशियोलॉजी से पहले बायोलॉजी. तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, फर्स्ट एस्ट्रोनॉमी, देन फिजिक्स, देन बायोलॉजी, देन सोशियोलॉजी. सोशियोलॉजी हायरार्की में सबसे ऊपर है, करेक्ट ऑप्शन है डी. क्वेश्चन नंबर 158, डैश इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. डैश इज सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. ऑप्शन है क्वेश्चन है बी शेड्यूल, सी इंटरव्यू गाइड, डी नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. इसमें जो है खुद को मतलब सब्जेक्ट को खुद को इसे फिलअप करना पड़ता है या लिखना पड़ता है, तो ये है करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जो है सब्जेक्ट जिसके ऊपर हम स्टडी करते हैं वो खुद को इसको फिलअप करना पड़ता है, सेल्फ एडमिनिस्टर्ड. क्वेश्चन नंबर 159, हु रेफर टू द सोसाइटी एज ए सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट. हु रेफर टू द सोसाइटी एज ए सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट. ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी डार्विन, सी दुर्खेम, डी मालिनोस्की. इसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर, जो डार्विन के इवोल्यूशनरी थ्योरी को सोशियोलॉजी में अप्लाई किए हैं वो हर्बर्ट स्पेंसर. ये उन्होंने वो सोसाइटी को आज ऑर्गेनिज्म के हिसाब से देखा है, तो सोसाइटी इज ए सुपर ऑर्गेनिक एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू हर्बर्ट स्पेंसर. क्वेश्चन नंबर 160, सोशियोलॉजी इज कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन देयर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स. सोशियोलॉजी इज कन्फाइंड टू द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स इन देयर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन से सिंथेटिक स्कूल, बी फॉर्मलिस्टिक स्कूल, सी आइडियलिस्टिक स्कूल, डी नॉन ऑफ दीज. इसका करेक्ट आंसर है फॉर्मलिस्टिक स्कूल. क्वेश्चन नंबर 161, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट. इनमें कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. ए सोसाइटी कैन नाइदर बी सीन नॉर टॉस्ट, ये करेक्ट है. बी सोसाइटी इज ए कॉन्सेप्ट, ये भी करेक्ट है. सी सोसाइटी इज म्यूचुअल इंटरैक्शन एंड इंटर रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स, ये भी करेक्ट है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द एबव, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 162, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोर्स गिवन बिलो द लिस्ट. सोशियोलॉजिस्ट है, उनके कॉन्सेप्ट है. तो सोशियोलॉजिस्ट है ए मॉर्टन, बी सम्नर, सी कॉम्प्टे, डी गिडिंग्स. उनके कॉन्सेप्ट है सोशल स्टैटिक्स, सोशल डायनामिक्स, टू एथनोसेंट्रिज्म, सी थ्री लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन, फोर सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ ए काइंड. तो सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनामिक्स है, ये ऑगस्ट कॉम्प्टे के कॉन्सेप्ट है. तो सी वन है, ए से देखेंगे ए मॉर्टन, मॉर्टन लैटेंट और मैनिफेस्ट फंक्शन से रिलेटेड है, उनके कॉन्सेप्ट है लैटेंट मैनिफेस्ट फंक्शन. तो ए हुआ थ्री, ए थ्री हुआ तो बी टू मतलब समना एथनोसेंट्रिज्म वो हो गया. सी हुआ कॉम्प्टे हुआ वन, सी हुआ वन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 163, अकॉर्डिंग टू कॉम्प्टे सोसाइटी प्रोग्रेसेस थ्रू. अगस्त कॉम्प्टे ने कहा सोसाइटी कितने स्टेज से डेवलप हुआ है, थ्री स्टेज से प्रोग्रेस किया है ह्यूमन सोसाइटी. तो थ्री स्टेजेस क्या है, एक है थियोलॉजिकल, सेकंड है मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल को हम ट्रांजिशनल स्टेज कह सकते हैं, उसके फाइनल स्टेज है साइंटिफिक. तो थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक,
तो यहाँ जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, थ्री स्टेजेस। वो स्टेजेस है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 164, हु मेंटेन दैट सोसाइटी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। किसने कहा कि सोसाइटी वैल्यू फ्री नहीं हो सकता है। हु मेंटेन दैट सोसाइटी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। ए मार्क्स, डी दुर्खेम, सी वेबर, डी मालिनोस्की। तो इसका करेक्ट आंसर है वेबर। वेबर ने कहा कि सोसाइटी कैन नॉट बी वैल्यू फ्री। क्वेश्चन नंबर 165, फैक्ट इज एन एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन अकॉर्डिंग टू। किसने कहा कि फैक्ट इज एन एम्पिरिकली वेरीफाइबल ऑब्जर्वेशन। ऑप्शन है ए मकाइवो, डी गोडियन हार्ट, सी आर के मॉर्टन, डी सी ई श्वानसन। इसका करेक्ट आंसर है गोडियन हार्ट। थ्योरी और फैक्ट इनके ऊपर ज्यादा काम किए हैं गोडियन हार्ट ने। क्वेश्चन नंबर 166, व्हिच इज ए थ्योरी ऑफ द ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। कौन सा थ्योरी ये ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में बोलते हैं। ए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, बी इवोल्यूशनरी थ्योरी, डी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी, सी डिवाइन ओरिजिन थ्योरी और डी ऑल द एबव। तो ये सारी सारी जो है थ्योरी है ये ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में बोलते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या बोलता है कि सोशल एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के जरिए, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए सोसाइटी ओरिजिन हुआ है। तो इवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहा है कि सोसाइटी ग्रो किया है, सोसाइटी इवोल्यूशनरी मेथड में मतलब इवॉल्व किया है, ग्रो किया है ना। तो डिवाइन ओरिजिन क्या है, भगवान ने क्रिएट किया है सोसाइटी। तो ये सारी थ्योरी जो है ओरिजिन ऑफ सोसाइटी के बारे में बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 167, ऑफ द फॉलोइंग हु वॉज क्लोजेस्ट टू द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म। इनमें से कौन पॉजिटिविज्म थ्योरी को ज्यादा क्लोज है। ए मार्शल, बी वेबर, सी दुर्खेम, डी फेरेटो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दुर्खेम। ये जो चारों हैं, चारों में ज्यादा क्लोजेस्ट है टू द थ्योरी ऑफ पॉजिटिविज्म वो है दुर्खेम। दुर्खेम जो सोशल फैक्ट के बारे में बोले है कि दुर्खेम ने कहा है कंसिडर सोशल फैक्ट्स आज थिंग्स, है ना। तो इनके बारे में जब हम पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव क्लास लेंगे, तब दुर्खेम के बारे में तब हम डिटेल में जानेंगे, सोशल फैक्ट या दुर्खेम के दूसरे कंसेप्ट और थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 168, हु डिस्टिंग्विश्ड सोसाइटी इनटू फोर टाइप्स आज सिंपल कंपाउंड, डबल कंपाउंड एंड ट्रिपल कंपाउंड। ये सोसाइटी को चार प्रकार ने किसने डिस्टिंग्विश किए हैं। ऑप्शन है ए स्पेंसर, बी कॉम्ट, सी दुर्खेम, डी एच एस मैन। तो इसका करेक्ट आंसर है हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे सोसाइटी को डिस्टिंग्विश किए हैं। क्वेश्चन नंबर 169, व्हिच रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल सीक्वेंस इन्वॉल्व्ड इन ए सोशोलॉजिकल रिसर्च। सोशोलॉजिकल रिसर्च में ये कौन सा लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस होगा, ये सारी स्टेप, स्टेप वाइज वो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट होगा पहले हम एरिया ऑफ रिसर्च को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब प्रॉब्लम क्या है। तो फाइव, पहले फाइव आएगा आइडेंटिफाइंग द एरिया ऑफ रिसर्च। तो पहले जो फाइव है ये है ऑप्शन सी में। तो उसके बाद आता है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, सही है। फिर आता है वन कलेक्शन ऑफ डेटा, सही है। फिर आता है फोर प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी सही है। फिर एंड टू लास्ट में क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ जनरलाइजेशन। तो यहाँ जो करेक्ट सीक्वेंस है, स्टेप वाइज जो करेक्ट सीक्वेंस है, यह है करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 5 3 1 4 2।
क्वेश्चन नंबर 170, सोसाइटी मींस, सोसाइटी क्या है? सोसाइटी मींस ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, बी ए ग्रुप विथ ए वी फीलिंग, सी ए ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर ए कॉज, डी नॉन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ये मैकाइवर का डेफिनेशन है ना, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 171, सोसाइटी इज ए कॉन्शसनेस ऑफ काइंड इज एट्रीब्यूटेड टू, ये फेमस कंसेप्ट है, सोसाइटी इज ए कॉन्शसनेस ऑफ काइंड, ये किसका है ये कंसेप्ट? ए गिडिंग्स, बी मैकाइवर, सी कोले, डी सोरोकिन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गिडिंग्स ने कहा है सोसाइटी इज ए कॉन्शसनेस ऑफ काइंड। क्वेश्चन नंबर 172, सोशियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ, सोशियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ए पॉलिटिकल आइडियाज, बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर, सी यूनिक इवेंट्स, डी सिस्टम्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर। सोशियोलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर 173, इवोल्यूशन इज एसेंशियली एन एग्जांपल ऑफ, इवोल्यूशन इज एसेंशियली एन एग्जांपल ऑफ क्या है? ए डेवलपमेंटल चेंजेस, बी एंडोजेनस चेंजेस, सी ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस, डी हेटेरोजेनेटिक चेंजेस। क्या है इवोल्यूशन इज एसेंशियली एन एग्जांपल ऑफ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डेवलपमेंटल चेंजेस। इवोल्यूशन इज एसेंशियली एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस। क्वेश्चन नंबर 174, मॉर्टन स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेथ इन सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। मॉर्टन स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए डेथ इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। ए रेसिड्यू, बी पैराडाइम, सी डेरिवेशन, डी स्कीम। ए जो है रेसिड्यू एंड सी डेरिवेशन, ये विल्फ्रेड पेरेटू से रिलेटेड है, उनके कंसेप्ट है, विल्फ्रेड पेरेटू के कंसेप्ट है रेसिड्यू एंड डेरिवेशन। तो मॉर्टन के कंसेप्ट यहाँ है पैराडाइम। तो मॉर्टन स्ट्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ए पैराडाइम इन सोशियोलॉजिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 175, व्हिच consists of interrelated propositions that prescribe the means of attaining certain goals, which consists of interrelated propositions that prescribe the means of attaining certain goals, है ना? जो means मतलब means prescribe करता है certain goals attain करने के लिए, consists of interrelated propositions। तो options है pure theory, बी मिडिल रेंज थ्योरी, सी नॉर्मेटिव थ्योरी, डी साइक्लिकल थ्योरी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नॉर्मेटिव थ्योरी। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है, सब्सक्राइब और लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, नेम द टाइप ऑफ सोशियोलॉजिकल एनालिसिस that differentiates the forms of social interaction from their contents. Name the type of sociological analysis that differentiates the forms of social interaction from their contents. Options A, informal sociology, B formal sociology, C pure sociology, D neutral sociology. इसका correct answer है option D, formal sociology, है ना? फॉर्मल सोशियोलॉजी डिफरेंशिएट्स द फॉर्म्स ऑफ सोशल इंटरैक्शन फ्रॉम देयर कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 177, व्हिच इज द डिसिप्लिन दैट प्राइमरीली स्टडीज द जनरल रादर देन द पर्टिकुलर, है ना? प्राइमरीली स्टडीज द जनरल रादर देन द पर्टिकुलर। ए फॉर्मल साइंस, बी फॉर्मल सोशियोलॉजी, सी नोमोथेटिक साइंस, डी प्योर
प्योर सोशोलॉजी। इसका करेक्ट आंसर है नोमोथेटिक। नोमोथेटिक मीन्स जेनरल, वो जेनरल स्टडी करता है। जो पर्टिकुलर होगा वो आइडियोग्राफिक। नोमोथेटिक का ऑपोजिट है आइडियोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 178, द मेथड ऑफ बसेन वॉज डिफाइंड बाय, द मेथड ऑफ बसेन वॉज डिफाइंड बाय, ए मार्स, बी वेबर, सी सैमुएल, डी स्पेंसर। इसका करेक्ट आंसर है वेबर। बसेन एक जर्मन वर्ड है, उसका इंग्लिश मीनिंग होगा कॉम्प्रेहेंशन। इसके ऊपर काम किए हैं वेबर ने। क्वेश्चन नंबर 179, सोशियोलॉजी असर्शन, असर्शन में है सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। रीजन है सोशियोलॉजी स्टडीज द सोसाइटी, द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी इन द इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंस्टीट्यूशन, ये करेक्ट है। लेकिन सोशियोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोसाइटी। सोशियोलॉजी जो दो वर्ड से डिराइव हुआ है, एक सोशियस लैटिन वर्ड सोशियस, ग्रीक वर्ड लोगोस। तो सोशियस का मीनिंग है सोसाइटी, कम्युनिटी, कंपेनियनशिप, लोगोस का साइंटिफिक स्टडी। तो सोशियोलॉजी का ऐसे लिटरली मीनिंग होगा साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी या कम्युनिटी या कंपेनियनशिप। तो साइंस ऑफ सोसाइटी इतना करेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 180, सोशियोलॉजी इज एन एग्जैक्ट साइंस। रीजन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी आर ऑफ लिमिटेड रिलेवेंस इन सोसाइटी। तो सोशियोलॉजी इज एन एग्जैक्ट साइंस, ये तो रॉन्ग है, ये फॉल्स है। एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जेक्टिविटी आर ऑफ लिमिटेड रिलेवेंस इन सोशियोलॉजी, ये करेक्ट है। तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा डी, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 181, असर्शन है ऑगस्ट कॉम्टे इज कॉल्ड द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। रीजन, अपार्ट फ्रॉम हिज पायनियरिंग कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ही वॉज द फर्स्ट टू यूज द वर्ड सोशियोलॉजी इन 1839। तो असर्शन करेक्ट है, ऑगस्ट कॉम्टे इज कॉल्ड फादर ऑफ सोशियोलॉजी। रीजन भी करेक्ट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 182, अकॉर्डिंग टू होम किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट्स द स्टेट। किसने कहा किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट्स द स्टेट, ए कोन, बी कोले, सी मकाइबर, डी लेलिन। इसका करेक्ट आंसर है मकाइबर। मकाइबर ने कहा किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट्स द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 183, लामार्क्स थ्योरी इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ। लामार्क्स थ्योरी को हम और किस थ्योरी के हिसाब से जानते हैं, वो है ऑप्शन से ए असिमिलेशन ऑफ आउटवर्ड कैरेक्टर्स, बी रिजेक्शन ऑफ रिपल्सिव कैरेक्टर्स, सी इंटीग्रेशन ऑफ एडॉप्टेड कैरेक्टर्स, सी ए डी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 184, हु बिलीव्ड सोसाइटी टू बी सब्जेक्ट टू द सेम लॉज ऑफ इवोल्यूशन एज वेयर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर्स, है ना। तो जो इवोल्यूशनरी थ्योरी है डार्विन के, चार्ल्स डार्विन के, सोशियोलॉजी में जो अप्लाई किए हैं उन्होंने बोले हैं। तो ऑप्शंस पहले देखते हैं, ए हॉबहाउस, बी स्पेंसर, सी बोटोमो, डी सोरोकिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर।
क्वेश्चन नंबर 185, सोसाइटी इज मेड बाय द ए पीपल फॉर्मिंग इट, सी सोशल रिलेशनशिप्स, बी सोशल रिलेशनशिप्स, सी सिस्टम दैट कीप्स इट टुगेदर, डी कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिस्टम दैट कीप्स इट टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 186, द मॉडर्न सोसाइटी शोज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ डेस वैल्यूज, मॉडर्न सोसाइटी में किस वैल्यू का ज्यादा इन्फ्लुएंस या इंपॉर्टेंस है, ए स्पिरिचुअल, बी कमर्शियल, सी डिस्ट्रक्टिव, डी मटेरियल। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल वैल्यूज, मॉडर्न सोसाइटी में मटेरियल वैल्यू का ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है या ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ रहता है। क्वेश्चन नंबर 187, हु हैज रिमार्क्ड दैट इंडिविजुअलिटी अराइजेस इफ द कम्युनिटी रिसीव्स, है ना, कम्युनिटी पीछे जाता है तो इंडिविजुअल आगे आता है, किसने कहा, ए दुर्खेम, बी गोडे, सी लॉरेंस, डी वेबर। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खेम, दुर्खेम ने कहा है। जो मैकेनिकल सॉलिडरिटी से ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी के ओर सोसाइटी इवॉल्व होता है, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी में कम्युनिटी का इंपॉर्टेंस रहता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में इंडिविजुअल का इंपॉर्टेंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 188, द डैश व्यू रिगार्ड सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स टू हेल्प फुलफिल वन अनदर। द डैश व्यू रिगार्ड सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स टू हेल्प फुलफिल वन अनदर। ऑप्शन है ए स्ट्रक्चरल, बी फंक्शनल, सी कल्चरल, डी सोसाइटल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फंक्शनल। द फंक्शनल व्यू रिगार्ड सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप्स टू हेल्प फुलफिल वन अनदर। क्वेश्चन नंबर 189, हु बिलीव्स द सोसाइटीज लाइक नेचुरल स्पीसीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू अडाप्ट टू देयर एनवायरमेंट। हु बिलीव्स द सोसाइटीज लाइक नेचुरल स्पीसीज आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग टू अडाप्ट टू देयर एनवायरमेंट। किसने कहा है, ए दुर्खेम, बी कॉम्प्टे, सी वेबर, डी स्पेंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 190, आइडेंटिटी ऑफ एंड्स वुड इंप्लाई ए प्राइमरी रिलेशनशिप, बी सिमिलर डिजायर्स, सी कोऑपरेशन, डी ऑल द एबव। इसका करेक्ट आंसर है All the above. 191. A society may be best described as A. An agglomeration of people, B. A group of people bound by discipline, C. An association with regular kinship, D. An association patterned on the norms of interaction. Iska correct answer hai D. An association patterned on the norms of interaction. Question number 192, which of the following expressions did McIver use in defining society? A. A structure of institutions, B. A consciousness of kind, C. An organization of statuses and roles, D. A web of interactions and interrelationships. Iska correct answer hai option D, a web of interactions and interrelationships. Question number 193, who like Shakespeare viewed society to be a theater stage, society एक theater है, ये किसने कहा, A. Durkheim, B. Giddings, C. Irving, D. Ginsberg। Correct answer है Irving, Irving Goffman ने कहा है, वो जो concept दिए हैं dramaturgy, society एक theater है। Question number 194, who has described social reality as essentially reflexive, who has described social reality as essentially reflexive, A. Freud, B. Weber, C. Cole, D. Garfinkel। ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हरल्ड गारफिंकल ने रिफ्लेक्सिविटी के बारे में बोले हैं, उनको हम फादर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी भी कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 195. मकाइवर बिलीव्ड दैट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस टू हैव बीन एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ए फेडरेशन एंड इंटीग्रेशन, बी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेडरेशन, सी कॉम्प्रोमाइज एंड अकोमोडेशन, डी हायरार्की एंड रिवार्ड. इसका करेक्ट आंसर है बी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेडरेशन. क्वेश्चन नंबर 196. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. ए एटीमोलॉजी, बी एथनोलॉजी एथोलॉजी, सी पैथोलॉजी, डी साइकोलॉजी. इसका करेक्ट आंसर है साइकोलॉजी. साइकोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एटीमोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्ड्स. बी है एथोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. पैथोलॉजी है साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस. क्वेश्चन नंबर 197. सजेशन इज द अडॉप्शन ऑफ अनदर पर्सन्स आइडियाज अनबिल्ट बाय वनसेल्फ अकॉर्डिंग टू ए स्टोन, बी यंग, सी टीपी नॉन, डी मैकडॉगल. इसका करेक्ट आंसर है सी टीपी नॉन. क्वेश्चन नंबर 198. रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी इज ए बुक बाय किसने लिखा है ये बुक रीजन एंड अनरीजन इन सोसाइटी. ए रेमंड ऑरन, बी वाई सिंह, डी सी लिंटन, डी गिन्सबर्ग. इसका करेक्ट आंसर है गिन्सबर्ग. क्वेश्चन नंबर 199. विथ हुई साइंस इज सोशोलॉजी मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड. कौन से साइंस से सोशोलॉजी क्लोजली एसोसिएटेड है. ए बायोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, डी पॉलिटिकल साइंस. क्लोजली रिलेटेड है मोस्ट क्लोजली रिलेटेड है सी कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी से. क्वेश्चन नंबर 200 पार्ट 4 का लास्ट क्वेश्चन. द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन इज ए बुक बाय द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन किसने लिखा है. ए पी गार्डनर, बी गिन्सबर्ग, सी बेल्स, डी बेली. करेक्ट आंसर है पी गार्डनर. पी गार्डिनर ने लिखा है द नेचर ऑफ हिस्टोरिकल रिवोल्यूशन. ये था पार्ट 4. फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में. तब तक बाय बाय.